सर, वेरी वैल्यूएबल सजेशंस हैव बीन मेड बोथ इन रिगार्ड टू द हाउसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो इन रिगार्ड टू प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्ट्री. सर, आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट द हाउसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज मैनी मेम्बर्स हैव टच्ड अपॉन इट. सर, वी अंडरटेक हाउसिंग इन टू पर्टिकुलर वेज. वन इज सोशल हाउसिंग दैट वी अंडरटेक थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द अदर इज कॉन्ट्रैक्टिंग हाउसिंग विच इज अंडरटेकन बाई द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग थ्रू द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. एज फार एज सोशल हाउसिंग इज कंसर्न्ड, आई फुली एग्री विद श्री सैप्रो दैट हाउसिंग ऑक्यूपाइज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर सोसाइटी. फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर वी हैव ऑलवेज बीन प्रोक्लेमिंग दैट दे आर द थ्री टीनेंट्स ऑफ आवर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. एंड आई डू एडमिट दैट एज फार एज सोशल हाउसिंग इज कंसर्न्ड, इट हैज़ नॉट अचीव्ड द सेम अटेंशन एज इट शुड हैव रिसीव्ड इन आवर प्लान्स. आई एम नॉट ब्लेमिंग द प्लानर्स, आफ्टर ऑल दे हैव टू टेक द फाइनेंसेस ऑफ द कंट्री इन टू कंसिडरेशन. दे हैव ऑल्सो टू टेक द स्टेट रिसोर्सेज इन टू कंसिडरेशन. बट सर, इट इज़ ए फैक्ट दैट वाइल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग वेरी फास्ट ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, देयर वॉज ए राइज ऑफ ओवर 21%. बट इन दैट पीरियड द एलोकेशन अंडर हाउसिंग वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 34% टू 15% अंडर द 10th प्लान. दैट हैज़ बीन आर मिसफॉर्च्यून. एंड सर, द स्टेट्स टू इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द एलोकेशंस हैव बीन लोअर्ड, वी ऑल्सो हैव नॉट बीन वेरी एक्टिव और एंथजियास्टिक अबाउट द हाउसिंग प्रोग्राम्स. देयर हैव बीन लैप्सेस एंड सम ऑफ द हाउसेस विच वर बिल्ट फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैव बीन अलॉटेड टू नॉन एंटाइटल्ड पर्सन्स. एंड वैन द इमरजेंसी स्टार्टेड इवन द एलोकेशंस मेड फॉर हाउसिंग इन द स्टेट प्लान्स हैव बीन डाइवर्टेड टू अदर प्रोजेक्ट्स. दे आर गुड प्रोजेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बट इफ वी कंसीड दैट हाउसिंग गिव्स ए मैन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, ए होम, हाउसिंग हैज़ टू रिसीव सम प्रायोरिटी, इफ नॉट अ वेरी हाई प्रायोरिटी. आई हैव टेकन अप विद द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्लानिंग मिनिस्टर. आई हैव ऑल्सो बीन टू द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल. नाउ सर, आई कम फॉर ए शॉर्ट वाइल टू द हाउसिंग विच इज़ अंडरटेकन डायरेक्टली बाई माई मिनिस्ट्री.
A reference has been made to Delhi. A reference has been made to the unfortunate conditions under which government servants have to live. And the last speaker were rightly remarked that the rents in Delhi are on a very high side. I have to accept all those premises now. I fully examined the problems from all its aspects. I find, sir, that previously we have been more concerned with paying house rent allowances to the government servants. We have been taking property on lease. We have been requisitioning properties, sometimes paying very heavy rents and at the same time maintaining those properties which belong to other people. If all the people that have been paid on rent or as house rent allowances had been diverted to the construction of houses, I am sure that the housing difficulties in Delhi and other parts of the country like Madras, Bombay and Calcutta would not have been so acute. It is a fact that the government servant who has a house has a different outlook. He works in a different way, but nearly 66% of the government servants in Delhi have to take houses on high rents, have to pay very heavy rents, and sometimes they have to live very far away from Delhi. During this year, we have sanctioned housing schemes to the tune of rupees 15 crores in the last 5 years of the ministry. Schemes were sanctioned only to the extent of rupees 7 crores. I am not casting any aspersions. What I am trying to say is this, that I have doubled the program of housing within 1 year as compared to what was done during the last 5 years. I hope that we should be able within the next few years to give a certain amount of satisfaction to the government servants who have to work under very different conditions in Delhi. It is not a very happy position in which I am when I am told by the government servants who come to see me that every minister has a house, every member of parliament more or less has been provided with some sort of accommodation, members of the planning commission, judges of the Supreme Court, senior officers, every one of them has a house, and that too very near to the place of work. But as far as the poor government servants are concerned, most of them have no accommodation.